आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। वन मंडल क्षेत्र में हाथियों से फसल मकान सामग्री की नुकसानी का सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसे लेकर प्रभावित क्षेत्रवासी भय के साथ चिंता के साए में हैं। इसी कड़ी में बीती रात को फिर एक बार हाथियों ने नुकसानी का नजारा गिरसा पोटिया और कोयलार गाँव में देखने को मिला। किसानों के क्षतिग्रस्त खेत मकान बोर मशीन की तस्वीर साफ बयां करती है कि किस कदर क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया। धर्मजयगढ़ रेंज के गिरसा गांव में किसान भरतीराम राठिया सुरितराम राठिया घूर सिंह राठिया की धान फसल को हाथी नुकसान पहुंचाए। वहीं बताया जा रहा है कोयलार गांव में एक किसान चेतराम राठिया की झोपड़ी को हाथी तोड़कर तहस नहस कर गए। साथ ही पोटिया गांव के करीब 8 किसानों की लहलहाती धान की फसल को हाथी ने पैरों से रौंद दिया और बर्बाद कर दिया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि गिरसा के किसान मोहित राम के खेत में स्थित बोर मशीन को हाथी तोड़ मरोड़ कर क्षतिग्रस्त कर गए। इन हालातों में क्षेत्र के प्रभावित किसान हाथी की मौजूदगी को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। एक जानकारी अनुसार अगर बात करें वनमंडल क्षेत्र की, तो हाथियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान समय में पूरे क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर करीब 60 हाथी विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।